Hello everyone, this is Sarthak Sharma and in this video we are going to discuss current affairs for 30th July 2018, 30 July 2018 से जितने भी current affairs के topics हैं जिनसे competitive exams में questions बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद है वो सभी questions हम इस video में आपके साथ discuss करेंगे plus हम करेंगे उनका detailed analysis और जानेंगे उनका background भी साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर अगर आपको पता है तो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सो फ्रेंड्स दिस हियर इज आवर थॉट ऑफ द डे एंड इट सेज दैट नथिंग विल हैपन अनलेस यू टेक द इनिशिएटिव टू डू इट जी हां ये सबसे बड़ी सच्चाई है हम बहुत कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में या ऐसा देखते हैं कि कई लोग जो हैं उन्होंने कुछ किया और हम भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसा किसी ने किया है बट हम एक जो पहला इनिशिएटिव होता है वो लेने से डरते हैं हम ये सोचते हैं कि क्या पता ये जो हम करने वाले हैं वो गलत हो जाए या हमसे ना हो पाए तो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि अगर आपने कुछ एम माना है कुछ सोचा है तो जब तक आप उसकी तरफ इनिशिएटिव नहीं लेंगे अपने कदम उस तरफ नहीं बढ़ाएंगे तब तक तो आप उस चीज को करने कर ही नहीं पाएंगे सो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपको एक काम करना चाहिए आपका एक एम है तो सबसे पहली चीज है कि आप उसकी तरफ एक इनिशिएटिव लीजिए ट्राई कीजिए कि आप उसे कर पाएं एंड आपको उसमें आगे तभी सक्सेस मिल पाएगी अगर आप इनिशिएटिव लेंगे पहला कदम उस तरफ बढ़ाएंगे एंड फ्रेंड्स दिस हेयर इज द क्वेश्चन फ्रॉम आवर लास्ट वीडियो एंड द क्वेश्चन वाज व्हिच यूनिक ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज ECI फॉर पीपल टू रिपोर्ट मॉडल कोड वायलेशंस तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका पर्पस है जो मॉडल कोड कंडक्ट होता है आचार संहिता होती है इलेक्शन के टाइम पर उसमें अगर वायलेशंस होती है तो उसको रिपोर्ट करना उसका पर्पस है तो आपको उस ऐप का नाम बताना था एंड योर ऑप्शंस वर ए सी विजिल बी आई विजिल सी ई विजिल और डी एम विजिल सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज A that is C Vigil. C Vigil is the app which has been launched by the Election Commission of India. And friends, let's take a look at the background of this question. So the Election Commission of India that is ECI has launched user friendly Android app. The name of the app is C Vigil for citizens to report any violation of Model Code of Conduct that is MCC during elections. तो जो elections के समय पर एक Model Code of Conduct होता है जो Election Commission of India apply करता है उन जगहों पर जिसमें certain rules and regulations होते हैं कि आप जो है अपनी party का प्रचार किस समय पर कर सकते हैं किस समय पर नहीं कर सकते हैं या जिस समय पर पोलिंग चल रही हो इलेक्शंस चल रहे हो उस समय पर जो है वहाँ पर कौन लोग होने चाहिए पार्टी से रिलेटेड जिससे जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों को गलत तरह से इन्फ्लुएंस ना कर पाए ये पर्पज़ होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का और अगर उसकी वायलेशन होती है तो उसे रिपोर्ट कर सकते हैं जो आम नागरिक हैं सिटीजन्स हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप The name of the app is C Vigil and the unique internet based beta version of the application C Vigil stands for Citizens Vigil. So C Vigil ki jo full form hai wo hai Citizens Vigil and the app will be only active only in states where elections have been announced. So is app ka jo hai aap use waise nahi kar sakte hain jis state mein jo hai elections hone wale hain wahin par is app ka use ho payega. Plus the application will be operationalized for the first time for the forthcoming assembly elections in the states of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan. तो यहाँ पर जो है सबसे पहले election होने वाले हैं तो इन्हीं जगह जो है ये app जो है वो use होगा और इसके reviews जो है वो सामने आएंगे And by using this app, citizens can immediately report on incidents of misconduct within minutes of having witnessed them and without having to rush to the office of the returning officer to lodge a complaint.
तो जो इलेक्शंस के टाइम पर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसी को जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके ऊपर एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने की एंड जो रिजल्ट है वो अनाउंस करने की, काउंटिंग की, उन सब में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिसकंडक्ट ना हो, ये सब देखना काम होता है रिटर्निंग ऑफिसर का। तो जो अब से पहले जो अगर कोई वायलेशन होती है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर के जो ऑफिस है वहाँ पर जा करके इंडिविजुअली करनी पड़ती थी, बट इस ऐप के ज़रिए जो है वो हम ऑनलाइन ही ऐसा कोई मिसकंडक्ट अगर देखते हैं तो उसको डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड द यूज़र विल गेट 5 मिनट्स टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट आफ्टर हैविंग क्लिक्ड अ पिक्चर और अ वीडियो एंड टू प्रिवेंट एनी मिस यूज द ऐप विल नॉट अलाउ अपलोडिंग ऑफ द प्री रिकॉर्डेड और ओल्ड इमेजेस एंड वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने आजकल देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं, एडिटेड वीडियोज़ एंड इमेजेस बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ऐसा ना हो पाए इसलिए इस ऐप के ज़रिए जो है आप तभी साथ के साथ जो वीडियो या ऑडियो या पिक्चर जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं उसी को 5 मिनट्स के अंदर ही अपलोड कर सकते हैं, ये इसकी टाइम लिमिट है। इसके बाद जो है आप उस वीडियो को या फोटोग्राफ को भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। एंड द न्यू ऐप इज एक्सपेक्टेड टू फिल इन ऑल दीज गैप्स एंड क्रिएट अ फास्ट ट्रैक कंप्लेंट रिसेप्शन एंड रिड्रेसल सिस्टम। तो ये फास्ट ट्रैक सिस्टम होगा, रिड्रेसल सिस्टम होगा, जिसके जरिए जो है आप मिसकंडक्ट को डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, उनका नाम है OP रावत। वो थोड़े टाइम पहले ही जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, तो उनका नाम भी आप याद रखिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो फ्रेंड्स, आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अडॉप्टेड जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन 2018 इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन है जो हाल ही में साइन किया गया है, अडॉप्ट किया गया है 2018 में, आपको बताना है कि वो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एंड योर ऑप्शंस आर AUNO, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, बी ब्रिक्स, CSCO, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और डी बीमस्टेक, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज ब्रिक्स। जो ब्रिक्स कंट्रीज है उन्होंने हाल ही में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन 2018 साइन किया है। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल 5 ब्रिक्स नेशंस इंक्लूडिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो दीज 5 आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स नेशंस। दे कन्वीन फॉर द 10th BRICS समिट इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स का 10वां समिट हुआ है, 10th BRICS समिट, वो हुआ है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। एंड द थीम ऑफ ब्रिक्स समिट इन 2018 वॉज ब्रिक्स इन अफ्रीका, कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये थीम थी 10th BRICS समिट की। एंड जैसा कि थियोरेटिकल 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो शुरू हो चुका है, जैसे हम मानते हैं कि जो 1st इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो था थ्रू वाटर एनर्जी एंड स्टीम, जो 2nd इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ था, एंड जो जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था, और जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो थर्ड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसी के ऊपर बेस्ड है, बट इसमें जो है स्मार्टफोन्स वगैरह आ गए हैं और हाईटेक टेक्नोलॉजीज यूज़ होने लगी हैं। तो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप इसमें मान सकते हैं। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि जो थीम थी ब्रिक्स 10th समिट की वो थी ब्रिक्स इन अफ्रीका, कोलेबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एंड द लीडर्स जॉइंटली रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेन इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इंक्लूसिवनेस एंड स्ट्रेंथेंड कोलैबोरेशन। सो फ्रेंड्स, जो ये 5 चीज़ें हैं ये इस जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन का ही
part hai, and the BRICS leaders have used the summit to reject the growing unilateralism. जो कि हम देख रहे हैं आजकल चाइना और यूएसए के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा है, उसे हम ग्रोइंग यूनिलैटरलिज्म कह सकते हैं. एंड इंस्टेड रीट्रेट देयर कमिटमेंट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, कॉलिंग फॉर स्ट्रॉन्गर इंट्रा ट्रेड विद इन मेंबर स्टेट्स. तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में ट्रेड हो सके, इंट्रा ट्रेड रहे, ये भी इस जोहान्सबर्ग डेक्लरेशन का एक पार्ट है. एंड प्लस वेरियस अदर इश्यूज इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन, टेररिज्म एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आउटर स्पेस, ट्रेड एटसेट्रा वर ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस 10th ब्रिक्स समिट. सो फ्रेंड्स, आप ये सब फैक्ट्स याद रख सकते हैं. एंड प्लस आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है. सो ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज विच आर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. एंड ओरिजिनली द फर्स्ट 4 वर ग्रुप्ड एज ब्रिक, या फिर हम ब्रिक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो पहले जो है 2009 तक सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया और जो चाइना है वो ब्रिक मेंबर्स थे बिफोर द इंडक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2010. सो अगर क्वेश्चन आए कि जो ब्रिक है उसका पहला समिट कहाँ पर हुआ था सिर्फ ब्रिक कंट्रीज का, तो वो हुआ था यकेटेरिनबर्ग रशिया में इन 2009. एंड अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ था, तो ये हुआ था ब्रसीलिया में इन ब्राज़ील इन 2010. सो फ्रेंड्स, आप ये याद रखिए फैक्ट्स. प्लस जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, जोहान्सबर्ग में हुआ है ये ब्रिक्स 10th समिट, तो आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो है प्रिटोरिया, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एंड केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल. एंड साउथ अफ्रीकन करेंसी जो है वो है साउथ अफ्रीकन रैंड, और जो प्रेसिडेंट हैं जो इस ब्रिक्स समिट के होस्ट भी थे उनका नाम है सिरिल रामाफोसा. सो फ्रेंड्स, आप ये सब फैक्ट्स जो है ये याद रखिए. एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So friends, before moving to our next question, here are some courses which we have created for you, and these include GATE, CSE, IT and UGC NET and placement preparation and competitive programming. And there are some new courses for DSSSB and KVS, PGT, TGT teacher, as well as UPPSC, LT grade teacher recruitment. So we are covering all the technical examinations which occur throughout the year. And if you want to take our courses, then you can call us on the given contact number, that is 9821876104, and you can use 02 in place of 04, or you can contact us at our given email ID, that is admin@gatelectures.com. So friends, these are comprehensive courses having the full coverage of the syllabus, and they will definitely help you to prepare better and score better in your examinations. And now let's move on to our next question. So the question says, which state government has launched a plantation drive with the name of Green Mahanadi Mission? तो किस राज्य सरकार ने जो है पेड़ लगाने की एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है Green Mahanadi Mission? And your options are A. Odisha, B. Chhattisgarh, C. Madhya Pradesh or D. Jharkhand. So friends, the correct answer here is A, that is Odisha. Odisha state government has launched Green Mahanadi Mission, and this is the background here. So the Odisha government has launched a plantation drive, that is Green Mahanadi Mission, to stop soil erosion and recharge groundwater reserve of the Mahanadi River. तो जो दो बड़े aim हैं Green Mahanadi Mission के, वो है to stop soil erosion, जिस जो soil erosion की problem है वो बहुत ज़्यादा prominent हो रही है Odisha region में, तो उसका उसको रोकना एक ये इसका aim है Green Mahanadi Mission का. ये हो पाएगा through planting trees. एंड जो दूसरा एम है वो है रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व ऑफ महानदी रिवर. एंड अंडर द मिशन मोर देन 5 crore सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड ओवर एन एरिया ऑफ 41,000 हेक्टेयर्स. तो जो ये है 5 crore सैपलिंग्स इसमें इस मिशन में लगाए जाने की उम्मीद है. एंड द प्लांटेशन विल बी डन ऑन आइदर साइड ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा एज वेल अलॉन्ग रोड साइड लेंथ ऑफ अबाउट 5,000 किलोमीटर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years.
एट एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज अराउंड रुपीज 5000 करोड़। तो ये जो 5000 करोड़ है ये है इस मिशन की लागत। एंड इसमें जो काम किया जाएगा वो होगा जो रोड्स हैं उनके रोड साइड पर भी, अबाउट 5000 किलोमीटर तक के जो रोड्स हैं उनमें ट्रीज लगाए जाएंगे दोनों साइड में। एंड जो रिवर के बैंक्स हैं और जो ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी रिवर की, उनके भी बैंक्स में जो है ये ट्रीज लगाए जाएंगे, प्लांट्स लगाए जाएंगे। एंड टू प्रोवाइड एडिशनल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द लोकल्स, द वॉलंटियर्स विल प्लांट फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लाइक मैंगो, जैकफ्रूट एंड जामुन विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ द रिवर बैंक। तो रिवर बैंक से जो 1 किलोमीटर रेडियस है उसके अंदर ये पेड़ लगाए जाएंगे, प्लस जो ये प्लांट्स होंगे वो होंगे जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं, जैसे मैंगो, जैक फ्रूट या जो जामुन का ट्री होता है, इनके ये प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे बाद में जो है एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिल सके उन लोगों को जिन्होंने, लोकल्स जिन्होंने ये जो ये ट्रीज लगाएंगे उनको इससे जो है आगे जो है फल भी मिल सके। एंड अपार्ट फ्रॉम महानदी प्लांटेशन विल ऑल्सो बी डन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तेल एंड इब। सो तेल एंड इब आर द टू बिगेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर, तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, प्लस इनके बैंक्स पर भी जो है ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। एंड द प्लांटेशन ड्राइव विल बी इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। तो ये सब जो तीन डिपार्टमेंट्स हैं इनके बीच में कोलैबोरेशन होगा इस ग्रीन महानदी मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। सो दिस स्टेट हेयर इज ओडिशा एंड इट्स कैपिटल इज भुवनेश्वर एंड करंट चीफ मिनिस्टर इज नवीन पटनायक, करंट गवर्नर इज प्रोफेसर गणेशी लाल एंड द स्टेट एनिमल इज सांबर डियर, स्टेट बर्ड इज इंडियन रोलर, स्टेट फ्लावर इज अशोका फ्लावर, स्टेट ट्री इज सैक्रेड फिग जिसे हिंदी में पीपल कहा जाता है, एंड द रीजन इज ऑल्सो नोन एज द उत्कल रीजन विच इज मैंशनड इन नेशनल एंथम ऑल्सो। ये यहाँ पर है उत्कल कोस्ट, ये है उत्कल रीजन जो आपको पता होना चाहिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो फ्रेंड्स, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड विच कॉन्टेस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है अवेयरनेस के लिए एक कॉन्टेस्ट शुरू की है। आपको उस कॉन्टेस्ट का नाम बताना है एंड योर ऑप्शंस आर ए हैशटैग चाइल्डलाइन 1098, बी हैशटैग चाइल्डलाइन 2098, सी हैशटैग चाइल्डलाइन 3098 और डी हैशटैग चाइल्डलाइन 4098। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, दैट इज हैशटैग चाइल्डलाइन 1098। दिस कॉन्टेस्ट इज अंडर द चाइल्डलाइन जो हेल्पलाइन है 1098, जो काफ़ी पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च की थी। यहाँ पर आप जो है चाइल्डलाइन 1098 जो सर्विस है उसकी गाइडलाइंस देख सकते हैं। तो मिसिंग चिल्ड्रन के रिस्टोरेशन के लिए या मेडिकल असिस्टेंस के लिए या लिंकिंग चिल्ड्रन टू शेल्टर सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज़, तो रिपोर्टिंग ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, तो ये सब जो अगर केसेस हैं इनके अगेंस्ट जो है लोग इस जो चाइल्ड लाइन है 1098 इस पे कॉल करके ऐसी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसी के अंडर ये कॉन्टेस्ट है हैशटैग चाइल्ड लाइन 1098, प्लस जो हमारी मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वो हैं मेनका गांधी, तो आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड अ कॉन्टेस्ट दैट इज हैशटैग चाइल्डलाइन 1098 टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टू मार्क द 2018 वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। तो जो 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, और इसी को जो है मार्क करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये कॉन्टेस्ट शुरू की है जिसका नाम है हैशटैग चाइल्डलाइन 1098, जिसमें जो है कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड इन इट पीपल आर इन्वाइटेड टू शेयर इमेजेस ऑफ द
Childline 1098 logo that they spot at unique locations and send it with a tagline. तो जो childline 1098 का जो logo है जो हमने पिछली page में देखा है, तो ये जो logo है अगर आपको किसी unique जगह पर दिखता है तो आप उसकी जो photograph है वो खींच करके उसके साथ एक unique अपनी tagline जोड़ करके जो है इसको वो Ministry of Women and Child Development को भेज सकते हैं इस contest में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड द चाइल्ड लाइन 1098 इज इंडियाज फर्स्ट 24 आवर फ्री नेशन वाइड इमरजेंसी फोन सर्विस फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ एड एंड रेजिस्टेंस. तो जिन बच्चों को जो है मदद की ज़रूरत है उनके लिए चाइल्ड लाइन 1098 एक 24 आवर फ्री नेशन वाइड इमरजेंसी फोन सर्विस है. तो इसके बारे में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. And the hashtag childline 1098 contest carries a cash prize of ₹2000 and the details of the contest are available on the Facebook and Twitter accounts of the ministry. तो जो Ministry of Women and Child Development है उसके Twitter और Facebook accounts जो है उन पर जा करके आप इसकी further details जान सकते हैं. And at present it is operational at 450 locations including 76 की रेलवे स्टेशंस. तो जो चाइल्ड लाइन जो हॉटलाइन है 1098 नंबर है ये 450 लोकेशंस पर इस समय पर ऑपरेशनल है और खास करके जो रेलवे स्टेशंस हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बिकॉज इंडिया में रेलवेज का जो है यूज़ होता है बहुत ज़्यादा जो चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग होती है उसमें. तो 76 जो की रेलवे स्टेशंस हैं उन पर भी ये ऑपरेशनल है चाइल्ड लाइन 1098 हॉटलाइन. And friends, let's move on to our next question now. So our next question is, the museum for all former prime ministers of India will be constructed in which city? तो जो भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है. इसका जो ऑर्डर है, इसका डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है. तो आपको बताना है कि ये जो म्यूजियम बनेगा वो किस शहर में बनेगा. एंड योर ऑप्शंस आर ए गाजियाबाद, बी न्यू दिल्ली, सी नोएडा और डी गुरुग्राम. सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में बनेगा ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम. एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन. सो द म्यूजियम फॉर ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द तीन मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स that houses the Nehru Memorial Museum and Library, that is NMML in New Delhi. तो जो हमने पिछले पेज में जो फोटोग्राफ देखी वो थी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की, जो सिचुएटेड है, जो बना है तीन मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स में. तो यहीं पर जो है बनेगा ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया म्यूजियम. एंड द डिसीजन वॉज टेकन एट द 43rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द NMML चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर जिनका नाम है राजनाथ सिंह ऑन July 26, 2018. तो जो 43rd एनुअल मीटिंग हुई है NMML की उसमें ये डिसीजन लिया गया है ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बनाने का. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर महेश शर्मा. तो महेश शर्मा है मिनिस्टर ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया और उन्होंने कहा है दैट 270 करोड़ हैज बीन ईयर मार्क्ड फॉर द न्यू बिल्डिंग एंड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग म्यूजियम. तो जो 270 करोड़ जो है इसकी लागत बनाई गई है इस म्यूजियम को बनाने के लिए और जो पहले से वहाँ पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उसको जो है छेड़ा नहीं जाएगा, वो सेम रहेगा और उसके पास ही जो है ये नई बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें बनेगा ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम. एंड द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दैट इज NMML इज अ म्यूजियम and library in New Delhi, India, which aims to preserve and reconstruct the history of the Indian independence movement. तो इस म्यूजियम में आपको इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और खास करके जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बारे में आपको इस लाइब्रेरी एंड म्यूजियम जो है इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड हाउस्ड विद इन द तीन मूर्ति हाउस कॉम्प्लेक्स इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर.
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है ये म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1964 आफ्टर द डेथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी डेथ के बाद 1964 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट किया गया था। सो फ्रेंड्स ये सब फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। प्लस दिस हेयर इज डेली, न्यू डेली दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज अ यूनियन टेरिटरी एंड द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू डेली उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अनिल बाईजाल, एंड ऑफिशियल एनिमल फॉर डेली इज नील गाय, एंड ऑफिशियल बर्ड इज हाउस स्पैरो। एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्मार्टफोन स्कीम संचार क्रांति योजना फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक स्मार्टफोन स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है संचार क्रांति योजना। आपको उस राज्य का नाम बताना है, एंड योर ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान और डी उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज छत्तीसगढ़। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द एम्बिशियस स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जिसका नाम है संचार क्रांति योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट जगदलपुर इन द नक्सल इफेक्टेड बस्तर रीजन ऑफ द स्टेट ऑन जुलाई 27, 2018। तो यहाँ से जो फैक्ट्स हमें मिलते हैं वो हैं कि जो संचार क्रांति योजना है वो छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है 27 जुलाई 2018 को, और ये लॉन्च हुई है बस्तर रीजन में जो कि एक नक्सल इफेक्टेड रीजन है। यहाँ पर जो जगदलपुर है यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय आर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और इस जो गवर्नमेंट जो ये स्कीम है उसका नाम है संचार क्रांति योजना। सो फ्रेंड्स ये सब फैक्ट्स जो है आप इस पैराग्राफ से याद रखें। एंड अंडर द स्कीम 50 लाख स्मार्टफोन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रूरल हाउस होल्ड्स, अर्बन पुअर एंड कॉलेज स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्टेट। तो जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं और जो अर्बन एरियाज में रहने वाले बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री स्मार्टफोन जो है वो गिफ्ट करेगी गवर्नमेंट अंडर दिस संचार क्रांति योजना। एंड ऐसे 50 लाख स्मार्टफोन्स जो हैं वो दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका जो फायदा, इसका जो एम है वो ये है कि मैक्सिमम आप देखेंगे आजकल जितनी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं या स्कीम्स हैं वो ऑनलाइन जो फ़ोन है उसके थ्रू उसी से कनेक्टेड है, प्लस जो इंटरनेट या जो इंटरनेट को एक्सेस करने का तरीका है वो स्मार्टफोन ने काफ़ी ईजी कर दिया है। आप अपने फ़ोन के थ्रू जो सिम के द्वारा जो है इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं ब्रॉडबैंड की जगह, तो इसमें भी जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा। एंड द स्कीम एट एन आउटले ऑफ रुपीज 1467.90 करोर इज एम्ड एट इंक्रीजिंग मोबाइल पेनिट्रेशन इन द स्टेट विच इज द लोएस्ट इन द कंट्री एट 29% अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ 68%। तो इंडिया में जो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन है, जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं वो 68% है, बट जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसमें ये जो परसेंटेज है वो लोएस्ट है एट 29%। तो इसको बढ़ाना भी जो है ये इस योजना का एक एम है। एंड द माइक्रोमैक्स भगत 4 जो ये फ़ोन है विद 2 GB रैम, प्रोसेसर ऑफ 1.4 GHz एंड 16 GB स्टोरेज, 5 MP फ्रंट कैमरा एंड एन 8 MP रियर कैमरा विद 5-inch स्क्रीन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कॉलेज स्टूडेंट्स अंडर द स्कीम। तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको ये फ़ोन दिया जाएगा। प्लस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कोई लो एंड, बहुत ज़्यादा लो एंड फ़ोन नहीं है। 2 GB रैम का जो फ़ोन होता है उससे आप काफ़ी चीज़ें जो है अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, और दिस स्टेट हेयर इज छत्तीसगढ़ एंड इट्स कैपिटल इज रायपुर। करंट चीफ मिनिस्टर इज रमन सिंह, करंट गवर्नर इज बलराम दास टंडन, एंड स्टेट एनिमल इज वाइल्ड वाटर बफेलो, स्टेट बर्ड इज कॉमन हिल मैना, स्टेट फ्लावर इज ऑर्चिड जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राइनकोस्टाइलिस जाइजेंटिया, एंड द स्टेट ट्री इज सेल, प्लस द स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन
1st November 2000 by partitioning 10 Chhattisgarhi and 6 Gondi speaking southeastern districts of Madhya Pradesh. तो मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ी और गोंडी स्पीकिंग जो रीजन थे उनको मिलाकर के 1st नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ बना था. तो आप ये सब जो फैक्ट्स हैं ये याद रखिए छत्तीसगढ़ के बारे में. एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म हैज बीन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन एंड माई GOV. तो एक सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन और माई GOV प्लेटफॉर्म के द्वारा. तो आपको उस सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म का नाम बताना है. एंड योर ऑप्शंस आर ए स्वच्छ इंडिया प्लेटफॉर्म, बी एजुकेट इंडिया प्लेटफॉर्म, सी इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म और डी इंडियन कल्चर प्लेटफॉर्म. सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म. एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द अटल इनोवेशन मिशन विच वर्क्स अंडर द नीति आयोग एंड माई GOV जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिससे जो है सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आर रमानन हु इज द मिशन डायरेक्टर फॉर अटल इनोवेशन मिशन एंड अरविंद गुप्ता हु इज CEO ऑफ माई GOV दे लॉन्च द हैशटैग इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म विच इज अ कोलेबोरेशन बिटवीन द अटल इनोवेशन मिशन एंड माई GOV अ सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And the portal will serve as the common point for all the innovation happening across the nation. तो इंडिया में जो है इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को, इन्वेंशंस को जो है बढ़ावा देना ही इसका एक एम है हैशटैग इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म का. एंड द हैशटैग इनोवेट इंडिया माई GOV एंड अटल इनोवेशन मिशन पोर्टल जो इसका पूरा नाम है इट क्रिएट्स द इनोवेशंस प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्टरिंग बोथ ग्रास रूट्स एंड डीप टेक इनोवेटर्स एट अ नेशनल लेवल. तो जितने भी इनोवेटर्स हैं जो इन्वेंशंस करते हैं या जिनके पास क्रिएटिविटी है उन अपने आप को एक नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू दिस हैशटैग इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म. एंड थ्रू द प्लेटफॉर्म यूजर्स कैन व्यू, कमेंट, शेयर एंड रेट द इनोवेशंस क्राउड सोर्स्ड ऑन द हैशटैग इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म. तो जो भी जो इनोवेशंस हैं जो इस पोर्टल में शेयर की जाएंगी या लोग अपलोड करेंगे अपनी, उन पर जो है कॉमन जो पीपल हैं वो उसे देख सकते हैं, उस इनोवेशन को उस पर कमेंट कर सकते हैं, अपने व्यूज डाल सकते हैं उस इनोवेशन के ऊपर. प्लस दे कैन व्यू द लीडर बोर्ड विच इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वोट्स ऑन ईच इनोवेशन. तो हर इनोवेशन के ऊपर वोटिंग भी होगी जिससे एक लीडर बोर्ड तैयार होगा जिसमें पता चलेगा कि कौन सी इनोवेशंस है जिनकी अच्छी रैंकिंग है. एंड सिटीजन्स कैन ऑल्सो शेयर देयर और अदर ऑर्गेनाइजेशंस इनोवेशन ऑन द प्लेटफॉर्म बाय लॉगिंग इन टू द माई GOV वेबसाइट. तो माई GOV वेबसाइट में लॉग इन करने के बाद जो है सिटीजन्स शेयर कर सकते हैं अपनी इनोवेशंस या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की उन इनोवेशन भी. तो फ्रेंड्स दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. यहाँ से मदद लेकर के जो है कई लोग ऐसे आइडियाज़ निकाल सकते हैं जो वो खुद से इनोवेट करना चाहते हों या उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हों. सो फ्रेंड्स ये सब फैक्ट्स जो है आप याद रखिए हैशटैग इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में. एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैव वॉन द 2018 रेमोन मैग्सेसे अवार्ड. 2018 का जो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड है वो दो इंडियंस ने जीता है, मतलब 6 लोगों ने जीता है टोटल, उनमें से दो इंडियंस भी हैं. तो आपको उन दो इंडियंस का नाम बताना है. एंड योर ऑप्शंस आर ए थोदूर मादाबुसी कृष्णा एंड संजीव चतुर्वेदी, बी भरत वतवानी एंड सोनम वांगचुक, सी देवदत्त पटनायक एंड रामचंद्र गुहा और डी मेधा पाटकर एंड कैलाश सत्यार्थी. सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज भरत वातवानी एंड सोनम वांगचुक. इन्होंने जो है ये अवार्ड जीता है रेमोन मैग्सेसे अवार्ड इन 2018. एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन.
So two Indians, which are Dr. Bharat Vatwani and Sonam Wangchuk, are named among the six winners of the prestigious Ramon Magsaysay Award for the year 2018. और जो भारत वातवानी है, he is being recognized for his tremendous courage and healing compassion in embracing India's mentally afflicted destitute. तो जो mentally afflicted people हैं इंडिया में, उनके लिए काम करने के लिए जो डॉक्टर भरत वातवानी है, उनको अवार्ड मिला है. ही इज़ ए साइकैट्रिस्ट और वो रहते हैं मुंबई में, ही इज़ फ्रॉम मुंबई. एंड जो सोनम वांगचुक है, ही हैज़ बीन रिकॉग्नाइज फॉर हिज यूनिकली सिस्टमेटिक कोलेबोरेटिव एंड कम्युनिटी ड्रिवन रिफॉर्म ऑफ लर्निंग सिस्टम्स इन रिमोट नदर्न इंडिया, इम्प्रूविंग द लाइफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ लद्दाखी यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर. तो उनके जो यूनिक जो एजुकेशन से रिलेटेड आइडियाज़ हैं, जो वो काम करते हैं लद्दाख रीजन में, उसके लिए सोनम वांगचुक को भी ये अवार्ड मिला है. प्लस अगर आपने थ्री इडियट्स देखी है, तो जो उसमें फुंगसुक वांगडू जो करेक्टर है, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है, सोनम वांगचुक से. तो आप ये भी ये पता होना चाहिए आपको. एंड द मैग्सेसे अवार्ड विनर्स विल ईच रिसीव अ सर्टिफिकेट, अ मेडल बियरिंग द इमेज ऑफ द लेट फिलिपिनो लीडर रेमोन मैग्सेसे एंड अ कैश प्राइज. तो ये सब चीज़ें जो है मिलती हैं मैग्सेसे अवार्ड के साथ. एंड द अवार्ड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द एशियन वर्जन ऑफ द नोबल प्राइज. तो एशियन वर्जन ऑफ नोबल प्राइज भी कहा जाता है रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को. एंड इट रिकग्नाइजेज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस, करेजियस सर्विस टू द पीपल एंड प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म विद इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. तो इन सब फील्ड्स में जो लोग काम करते हैं, उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको रिकग्नाइज करने के लिए रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है. And friends, let's move on to our next question now. So the question is, World Hepatitis Day is observed on which of the following dates? जो World Hepatitis Day है, वो किस दिन जो है observe किया जाता है, आपको वो बताना है. And your options are A, 26 July, B, 27 July, C, 28 July और D, 29 July. So friends, the correct answer here is C, that is 28 July. And let's take a look at the background of this question. So July 28 marks World Hepatitis Day 2018, organized by the World Health Organization WHO. तो WHO इसको organize करता है to raise awareness of the disease and focus on how इट कैन बी ट्रीटेड एंड एलिमिनेटेड. तो हेपेटाइटिस जो डिजीज़ होता है, उसको ट्रीट करने के तरीके और जो एलिमिनेट उसको करना एक एम है WHO का, उसके लिए ये 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है. एंड हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर टिश्यू. तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. प्लस देर आर फाइव मेजर टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, दैट इज हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई. एंड जिसके कॉजेज होते हैं, वो कोई एक कॉज नहीं है, काफ़ी तरह से हो सकता है. कई लोगों में ये जेनेटिक होता है और इन्फेक्शन से भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम्स से भी ये हो सकता है. तो इसके कॉजेज जो हैं वो काफ़ी सारे हैं. एंड जो सिम्टम्स हैं वो हैं लाइक डायरिया, फिटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, माइल्ड फीवर, मसल और जॉइंट एक, नोजिया, स्लाइट एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, वेट लॉस, जॉन्डिस. तो ये सब जो हैं, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस के. एंड हेपेटाइटिस बी एंड सी आर क्रॉनिक इन्फेक्शंस. तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस है हेपेटाइटिस बी एंड सी, दैट मे नॉट शो सिम्टम्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, समटाइम्स ईयर्स और डिकेड्स. तो जो ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों तक, बल्कि डिकेड्स तक ये अपने सिम्टम्स ना दिखाए, बट जो जो पर्सन है वो इससे अफेक्टेड रहे और उसके बाद जो है एक साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इससे होने लगे. So at least 60% of liver cancer causes cases are due to late testing and treatment of viral hepatitis B and C. तो जो 60% केस होते हैं लिवर कैंसर के, वो हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से ही होते हैं, बिकॉज इसके कॉजेज, इसके जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाते हैं और ये डेवलप होता रहता है बॉडी के अंदर. और जो एंड इसका रिजल्ट होता है वो ये होता है कि लिवर कैंसर में ये बदल जाता है. एंड
the National Viral Hepatitis Control Program aimed at eliminating the deadly condition, this deadly disease, by 2030, that is 2030, was launched by the Ministry of Health and Family Welfare in collaboration with the World Health Organization. So, WHO ke saath Ministry of Health and Family Welfare ne milkar ke ek National Viral Hepatitis Control Program launch kiya hai to mark 28 July as the World Hepatitis Day. Plus friends, JP Nadda hai, Minister of Health and Family Welfare. To unka naam bhi aap yaad rakhiye. And the program has been developed in association with all stakeholders who have worked at the grassroots level and has been launched in accordance with the Sustainable Development Goals of 2030. So friends, aap ye sab facts jo hai yaad rakh sakte hain related to World Hepatitis Day 2018. And let's move on to our next question. And this is the last question for today. And the question is, who has won the 2018 Formula 1 German Grand Prix Tournament? 2018 Formula 1 German Grand Prix Tournament kisne jeeta hai? And your options are A. Lewis Hamilton, B. Valtteri Bottas, C. Kimi Räikkönen or D. Sebastian Vettel. So friends, the correct answer here is A, that is Lewis Hamilton. And let's take a look at the background. So Lewis Hamilton, who is a British racing driver who races in the Formula 1 for Mercedes AMG Petronas, he has won the 2018 Formula 1 German Grand Prix at Hockenheimring track in Germany. तो जो जर्मनी में ग्रैंड प्रिक्स हुआ है उसमें लुईस हैमिल्टन जीते हैं. He is a British racing driver और वो Mercedes AMG Petronas के लिए रेस करते हैं. And he was followed by Valtteri Bottas of Mercedes only in the second position, and Ferrari's Kimi Räikkönen secured the third position. So friends, आप जो है Lewis Hamilton का नाम यहाँ पर जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. He has won the German Grand Prix, and जो जर्मनी की कैपिटल है वो है बर्लिन, इट्स करेंसी इज यूरो. एंड जो चांसलर है जर्मनी की उनका नाम है एंजेला मर्केल. तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आप याद रखिए जर्मनी के बारे में. And friends, with this, we have come to the last section of our video, that is the question of the day. And the question says, Pandharichi Vari, which took place recently, is the most important pilgrimage of which state? तो जो पंधारिची वरी है वो एक तीर्थ यात्रा है. आपको बताना है वो किस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है. And your options are A. Telangana, B. Maharashtra, C. Tamil Nadu or D. Karnataka. तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड आपके जो भी सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी नाइस डे.